अहेशमानो मरुणेह बुद्धिर्जुगुम समानि आयुहु प्रमोखेह पाणासिता मूले पशिष्टितो ब्रह्मा मध्ये मातिगणास्मता कुक्षव दुसागरा सर्वे सप्तदीप वसुंधरा ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्वणः अंगिरा कलश पे चढ़ाइए मम वरुण कलश देवता सांगायो सपरिवारायो सशक्तिकायो आवाहयामि स्थापयामि सदाधार पृथ्वींद्यामते मा कस्मै देवाय हविखापि धेमः ॐ सर्वोऽपि रूपमस्व नवो व्यातम् षडन्निखाणाम् मुम्मैखाणो सर्वलोकम् मैखाणः अखण्ड नारिकेल फलम् सोम सांगायो सर्वे कलशनिष्ठात्र देवतः सुप्रतिष्ठितो वरदो भवः ॐ कृष्णानियम् गङ्गाजलम् इव विलोहितः उदयिनम् गोपा अदृशन् अदृशन् हार्द्यः सरिष्ठो प्रणयातिरः वस्त्र ॐ केशवाय नमः ॐ नारायणाय नमः माधवाय नमः ॐ आपवित्रकमौ आदित्या वसुभो रुद्र विश्वे देवा मनुद्गणः तिलकन्ते प्रयच्छन्तु धर्म कामार्थ सिद्धये मौक्तिकम् करतले वेणु करे कंकणम् सर्वांगे हरिचंदनम् श्री सुखदेव जी महाराज की जय जय श्री राधे श्याम श्री नारायणाय नमः सर्वोपचारार्थे गंधाक्ष पुष्पाणि संपूजयामहे ओम थोड़ा फूल दे दो फूल छोड़ कोटि युग धारणे नमः श्रीमद् भागवत महापुराण का कथा प्रारंभ कलश यात्रा है और कलश के मध्य में 33 करोड़ देवी देवता विराजमान होते हैं गणपत सहित तो समस्त देवी देवताओं को अपने मध्य में रखते हुए कलश के माध्यम से और समस्त जाय नगर की परिक्रमा करने का एक लक्ष्य होता है। उसका मुख्य लक्ष्य यही है कि जन प्रतिनिधि जो जन जन है वो जाने कि श्रीमद् भागवत की कथा हो रही है इसलिए वहाँ सम्मिलित है। इसके साथ इस आयोजन का जो मुख्य लक्ष्य है वो समाज का सुधार करना युवा वर्ग के उस विचारों में जो कि एक दूषित वातावरण बन चुका है उसके अंदर में सुधार लाना एवं आधिदैविक आधिभौतिक आध्यात्मिक तीनों प्रकार के तापों को नाश करने के लिए ये श्रीमद् भागवत जो साक्षात कलयुग के अंदर में वांग्मयी स्वरूप भगवान का है साक्षात वेद है पंचम वेद है इसका जो भी आश्रय लेता है जो कथा श्रवण करता है निश्चित रूप से कायिक वाचिक मानसिक तीनों प्रकार की